नमस्कार, आज हम आए हैं दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट अतुल जैन जी के पास। उनसे जानेंगे जो ये अयोध्या पे ऐतिहासिक फैसला आया है उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। नमस्कार, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 9 नवंबर को जो अयोध्या विषय में एक फैसला दिया है, जैसा आपने कहा, ये अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक फैसला है। 9 नवंबर से अब तक 5-6 दिन लगभग बीत चुके हैं। इस बीच हमें कोई किसी अप्रिय घटना के बारे में कोई सूचना कहीं से नहीं आई, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि लगभग सभी पक्षों को इस फैसले से कोई दिक्कत नहीं है। इस फैसले का एक पूरे भारतवर्ष को एक लंबे टाइम से बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, और 5 जजेस की खंडपीठ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, जिसके मुखिया श्री चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई जी थे, उन्होंने 1045 पेज की ये एक जजमेंट दी है। मैं यहाँ पर यह बताना चाहूँगा कि इस केस की सुनवाई 44 दिन चली, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की हिस्ट्री में सेकेंड लॉन्गेस्ट प्रोसीडिंग्स हैं। इससे पहले 1973 में केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला की प्रोसीडिंग्स 68 दिनों के लिए चली थी, जो कि अब तक का सबसे लंबी प्रोसीडिंग्स का रिकॉर्ड है। एज अ लॉयर मैं यहाँ एक बात सबको समझाना चाहूँगा कि मोस्ट महत्वपूर्ण बात जो यहाँ पर है वो यह है कि यह फैसला एक यूनानिमस फैसला है। यूनानिमस का मतलब हुआ कि सभी 5 जजेस ने, जिनकी अगुवाई ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई कर रहे थे, उन्होंने मिलकर एक मत से यह फैसला दिया है। किसी जज ने डिसेंटिंग वर्डिक्ट अपना नहीं दिया। देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको यह बता सकता हूँ कि कोई भी न्यायालय, कोई भी न्यायाधीश जब कोई जजमेंट, कोई ऑर्डर पास करते हैं, तो वो किसी व्यक्ति विशेष या किसी वर्ग विशेष की भावनाओं को ध्यान में रखकर नहीं, अपितु जो साक्ष्य, जो गवाह उनके सामने होते हैं, उसके ऊपर अपना जजमेंट देते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि सुनवाई 44 दिन चली। इन 44 दिनों में सभी पक्षों ने बहुत बड़े बड़े लॉयर्स के साथ अपने अपने केस को प्रस्तुत किया, अपने साक्ष्य रखे, अपने बातें रखीं, और फिर एक ये फैसला निकल के आया है। और देश के सर्वोच्च कोर्ट ने एक फैसला दिया है, इसका मतलब यह फैसला पूरी तरह साक्ष्यों पर आधारित है। हम सब जानते ही हैं कि इस फैसले में 2.7 एकड़ ज़मीन रामलला को राम मंदिर बनाने के लिए दी गई है। साथ ही आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर जो पावर्स माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास हैं, इस खंडपीठ ने उन पावर्स का इस्तेमाल करते हुए बाबरी मस्जिद के स्थान पर दूसरा मस्जिद बनाने के लिए भी 5 एकड़ जगह मुस्लिम पक्ष को दी है। एक और महत्वपूर्ण बात इस जजमेंट का ये रहा कि इस जजमेंट में किसी ऑथर का नाम नहीं दिया गया। साथ ही कोर्ट ने यह भी माना कि जो बाबरी मस्जिद गिराई गई थी वो पूर्णतः इल्लीग। जहाँ तक एक पर्सनल लेवल की बात है, हम लोग जजेज और लॉयर्स से हटकर एक इंसान भी हैं। मेरे सभी धर्मों में दोस्त हैं, चाहे वो हिंदू हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे जैन, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, कोई भी हों, और हमें साथ बैठकर कभी भी ऐसा नहीं लगता कि हम किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति से बात कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यह विवाद ख़त्म करके सुप्रीम कोर्ट ने भारत को एक नई दिशा दी है, और शायद सभी धर्मों का प्यार इस विवाद के समाप्त होने के साथ ही और बढ़ जाएगा। और हाँ, जहाँ तक बात फैसला किसी के पसंद नापसंद का है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में सभी पक्षों को लीगल रेमेडीज़ दी गई हैं। हर कोई अपनी इंटरप्रिटेशन के हिसाब अपनी लीगल रेमेडीज़ अवेल करने के लिए फ्री है। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला है। जय हिंद।